प्रदेश के भदोही से, जहां प्रमुख कालीन कंपनी ओवीटी, जिसका मुख्य कारखाना गोपीगंज में स्थित है, वो न केवल कालीन निर्यात में अग्रणी रही है बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में भी सदैव आगे रही है। द्वितीय कोरोना लहर के दौरान जिलाधिकारी भदोही के आह्वान पर सोमवार को कंपनी के अध्यक्ष आईबी सिंह ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी आर्यका अखोरी को 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया, साथ ही 15,000 पीपीई किट जिला अस्पताल को प्रदान किया। आसपास के बुनकर समुदाय में कोरोना के इलाज संबंधित प्राथमिक दवाओं की किट एवं लगभग 5,500 मास्क वितरित किए गए तथा बुनकर एवं उनके परिवार को जागरूक करने के लिए बैनर पोस्टर भी लगवाया गया। कोरोना काल की प्रथम लहर के दौरान 2020 में विषम परिस्थितियों में भी कंपनी द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। 5 लाख रुपए की राशि दिया गया कंपनी की ओर से, ओबीटी कंपनी की ओर से, क्योंकि उनके तरफ से आह्वान किया गया था कि 40 लाख रुपए की बजट है ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सूर्यावा सीएससी में। तो मैम के आह्वान पर हम लोगों ने आज यहाँ पर 5 लाख का चेक अपने तरफ से दिया है। बाकी के और भी एक्सपोर्टर्स दे रहे हैं, तो पूरा जो कलेक्शन मेरे अंदाज से 40 लाख रुपये का होगा। तो हमारे ज़िला में जो भी कोविड के पेशेंट होंगे, बच्चे होंगे, आगे आने वाले लहर में बच्चों की भी संभावना है, इससे काफ़ी कुछ हमारा उनके देख रेख के लिए, इलाज के लिए काफ़ी काम में आ जाएगा। धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।